Hello students, welcome to my channel PSIM with Divya. So today's video we are discussing about linear equation in two variable, जो कि class 10th chapter 2 है. ठीक है, class 10th वालों के लिए कौन सा chapter है? Chapter 2 है. तो ये आज chapter 2 का first video है. इसमें हम कुछ basic discussion करेंगे और exercise 1 start करेंगे. ठीक है, तो इसलिए video को अंत तक आप जरूर देखिए. चलिए हम video की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने video में. So here our question. सलमा asked रीना, if 1/4 portion of a pole is painted blue, 1/3 is painted red and the remaining 10 meters are painted black, then what is the height of the pole? मतलब कि यहाँ पे रीना ने सलमा से ये पूछा कि कोई पोल है, ठीक है, एक पोल है जिसका लेंथ हमको नहीं पता है. ठीक है, तो उसका जो 1/4 मतलब 1/4 पोर्शन क्या है वहां पे ब्लू कलर से पेंट कर दिया है, वैसे ही वहां पे 1/3 मतलब 1/3 जो है वो क्या कर दिया है, रेड कलर से पेंट कर दिया गया. और बाकी उस पोल में जो बचा हुआ हिस्सा है, कितना बचा हुआ हिस्सा है, 10 meters. ठीक है, वो किस कलर से कर दिए हैं, ब्लैक कलर से पेंट कर दिए हैं. तो हमको एक्चुअल में क्या करना है, पोल का लेंथ कितना था या हाइट कितना था वो पता करना है. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो लेट बी द लेंथ ऑफ पोल, हम लेते हैं एक्स मीटर. ठीक है, कितना ले लिए, एक्स मीटर ले लिए. अब यहाँ पे ब्लैक पेंट कितना है, सबसे पहले ब्लैक पेंट है 10 meters, रेड वाला कितना है, रेड पेंट कितना है, 1/3 ऑफ पोल का है ना, 1/3 ऑफ पोल है. तो 1/3 हमने पोल का लेंथ कितना लिया है, x, मतलब x का कितना, 1/3 मतलब x अपॉन 3 meters. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 1/4 पोर्शन पोल इज पेंटेड ब्लू, तो ब्लू कलर के लिए क्या हो जाएगा आपका, ब्लू लिखिए ये, तो x का 1/4 meters. अब हमने क्या लिया है, टोटल लेंथ ऑफ द पोल या टोटल हाइट ऑफ द पोल इज, टोटल यहाँ पे हाइट देना है हमको. चलिए यहाँ पे हम लेंथ की जगह हाइट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हाइट ऑफ पोल, ये तो हमारा क्या है, एक्स है ना, एक्स है. लेकिन ये एक्स किसके इज इक्वल्स होगा, ये एक्स जो है इज इक्वल होगा ब्लैक, रेड एंड ब्लू तीनों में जो पेंट हुआ है उसके प्लस के इक्वल होगा, है ना. ठीक है, एक्स जो होगा हमारा वो क्या होगा, रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक तीनों का जो पेंट है वही तो हमारा एक्चुअल में पोल है ना, तीन कलर से जो पेंट हुआ है. देन तो यहाँ पे जो जो हमारे वैल्यूज है उसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, रेड वाला कितना है हमारा, रेड पोर्शन एक्स बाई 3 प्लस, और क्या है हमारा, ब्लू वाला कितना है एक्स बाई 4, सो एक्स बाई 4 यहाँ पे लिख दिए, प्लस ब्लैक कितना था, रिमेनिंग पोर्शन मतलब कि 10 meters. ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, हाइट ऑफ पोल या फिर लेंथ ऑफ द पोल हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लेने पे क्या मिलेगा हमको, सबका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट तो कुछ मैच हो नहीं रहा है, इसलिए 3/4 = 12 हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया. अब यहाँ से एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ता है, 3/12 करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 × x करेंगे तो 4x हो गया. वैसे सिमिलरली इसका लिए करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 मतलब 3x, 3 × x मतलब कि 3x प्लस, यहाँ 1 × 12 डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 ही रहेगा, एंड 10 × 12 करेंगे तो 120. ठीक है, अब यहाँ से 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 होगा, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 4 × 3 = 7x प्लस 120 / 12. इधर क्या था हमारा, 12 डिवाइड में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वही मल्टीप्लाई में हो जाएगा. सो मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर से 12x इज इक्वल्स टू 7x प्लस 120. ठीक है, एंड यहाँ पे x वाला टर्म हमारा 2 टर्म हो गया, 12x एंड 7x, तो क्या करेंगे, 12x, 7x इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू 120. एंड फिर क्या करेंगे, 12 - 7 करेंगे, 12 - 7 करने पे क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5x इज इक्वल्स टू 120. ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 आया है उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में 120/5. 5 के टेबल से 120 को कट कर देंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यहाँ पे 2 बचा, 5 × 4 = 20. तो x की वैल्यू एक्चुअली क्या आ रही है, 24, एंड हमारा एक्चुअल में लेंथ के साथ क्या ले रहे थे, हम मीटर ले रहे थे, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, 24 meters. ठीक है, ये हो गया हमारा 24 meters जो है वो आया आंसर, वही क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द पोल इज एक्चुअल में कितना हो गया, 24 meters.
ठीक है। तो ये था हमारा एक तरीके से बेसिक कैलकुलेशन कि हम बेसिक कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बट बेसिकली तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप कहीं पे जाते हैं आपको इतना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें कितना परसेंट निकालना है, कितना फोर्थ है, वन फोर्थ है, वन थर्ड है ना, तो उसके लिए ये वैल्यू मैटर करता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। चलिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इक्वेशन फॉर्मेशन, मतलब कि जो बेसिक है एक्सरसाइज वन है यहाँ पे चैप्टर टू का, वो किस तरीके से बनेगा इसमें कुछ देख लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ एनी टू नंबर इज 8। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो लेट बी द नंबर्स ले लेते हैं, लेट बी द नंबर्स एक्स एंड वाई। क्या हो गए हमारे नंबर्स एक्स एंड वाई है, सो टू नंबर इज 8, तो क्या हो जाएंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। सम ऑफ एनी सम बोला इसलिए क्या हो जाएगा डायरेक्टली एड हो जाएगा एंड यही क्या हो गया हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इतना ही इजी है एक्सरसाइज वन, बस उसमें क्या करना है इक्वेशन फॉर्म करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 4 कॉपीज इज रुपीज 105, मतलब कि 105। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम ये जो पेन है पेन को ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं और कॉपीज को ले लेते हैं वाई। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन यहीं से ही पता चल रहा है, तो क्या हो जाएगा 3x, मतलब 3 पेन है ना एंड 4 कॉपीज, तो 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू कितना दिया है 105। सो दिस इज द आवर इक्वेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, द सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड डिफरेंस इज 8। सो वैसे ही जैसे पहले वाले हम किए थे, लेट बी द नंबर्स, लेट बी द नंबर्स x एंड y हुआ एंड क्या हो जाएगा ये सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया है सम ऑफ टू नंबर, मतलब कि x प्लस y जब करेंगे हमको तो मिल जाएगा 16 एंड दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा जब उसका डिफरेंस निकाले, डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 दिया, तो फिर ये बोथ हमारे क्या हो जाएंगे आंसर्स होंगे। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन पूछा था एक तरीके से, इसमें सम एंड डिफरेंस दोनों बोला था इसलिए क्या हो गया हमारा सम और सब्सट्रैक्ट दोनों का ये एक आंसर है और ये दूसरा आंसर है। इसमें बस सम पूछा था इसलिए हमारा सम ही आया और यहाँ भी सम था इसलिए ओनली सम आया। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज वन को। ठीक, आगे आने वाले वीडियोस में मैं अपलोड करने वाली हूँ जो कंडीशंस हम फॉलो करेंगे आगे के एक्सरसाइज के लिए उसको अपलोड करेंगे। बेसिक है वो भी बेस है, एक्चुअल में बेस पहले जानना है उसके बाद हम आगे के एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है ये देखेंगे, उसमें हमारे यूनिक सॉल्यूशन के बाद हमारा इन्फिनिट सॉल्यूशन कब मिलता है ना, तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इसलिए आप अगले वीडियो को भी देखना ना भूलें और जल्दी से अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।